हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल ग्रीस आर्किटेक्चर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है वो 20 फीट बाई 50 फीट प्लॉट साइज प्लानिंग के बारे में है। इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो 2 बेडरूम, ड्राइंग रूम कम गेस्ट रूम, विद शॉप और विद कार पार्किंग। तो फ्रेंड्स, इसी रिक्वायरमेंट को हमने ध्यान में रखते हुए इस प्लॉट को प्लान किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, प्लानिंग काफ़ी अच्छी है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिएगा। और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और आप भी अपने घर का नक्शा बनवाना चाहते हैं तो आप हमें ऊपर दिए हुए नंबरों पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रॉपर्टी के वन साइड रोड है और 3 अदर साइड अदर लोगों की प्रॉपर्टियां हैं। ये हमारा फ्रंट में रोड रहेगा और 3 अदर साइड अदर लोगों की प्रॉपर्टी है। आउटर वॉल को हमने 9 इंच में रखा हुआ है और अंदर वाले हमारे पार्टीशन वॉल, सारे वॉल्स हमारे 4.5 इंच में रहेंगे। यहाँ से हमारी एंट्री होती है, 9 फिट चौड़ी एंट्री रहेगी। जैसे ही आप घर के अंदर एंट्री करेंगे, सामने पर आपके लिए पार्किंग एरिया और स्टेयरकेस दिया हुआ है जो कि हमारा सेपरेट रहेगा और ग्राउंड फ्लोर को कहीं भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। फ्रंट पर हमारा शॉप रहेगा। यहाँ ये हमारा रोलिंग शटर रहेगा, RS का मतलब रोलिंग शटर। शॉप का साइज 9 फिट 1.5 इंच बाई 9 फिट रहेगा। शॉप में एक ये गेट रहेगा जो कि पार्किंग की साइड खुलता है। अगर आप अपना शॉप का शटर लॉक कर देते हैं तो कोई सामान आपको देना है तो आप यहाँ से भी दे सकते हैं। यहाँ शॉप के जस्ट पीछे हमारा एक कॉमन टॉयलेट है जिसको कि शॉप कीपर भी यूज कर सकता है, 6 फिट 6 इंच बाई 3 फिट 7 इंच का। और यहाँ से एंट्री होती है ड्राइंग रूम में। यहाँ से हमारा स्टेयरकेस फर्स्ट फ्लोर के लिए चला जाता है और यहीं से एंट्री हमारी लॉबी एरिया में होती है। ये हमारा ड्राइंग रूम रहेगा, 9 फिट 2 इंच बाई 11 फिट 9 इंच का। तो यहाँ ये सिटिंग मिल जाएगा आपके लिए, सोफा वगैरह। और यहाँ हमारा दीवान बेड पड़ जाएगा जिससे कि आपका गेस्ट नाइट में रुकना चाहता है तो वो यहाँ सो सकता है। ये हमारा लॉबी एरिया है पूरा, 9 फिट बाई 13 फिट 2 इंच का है, यहाँ से और यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का। ये रहेगा इस लॉबी एरिया में पूजा, 3 फिट बाई 3 फिट का। ये हमारा डाइनिंग टेबल है। यहाँ हमने फ्रेंड्स किचन प्लान किया हुआ है, 6 फिट 9 इंच बाई 7 फिट का। किचन में ये प्लेटफॉर्म रहेगा एल टाइप। किचन के जस्ट पीछे हमारा OTS है जो कि 2 फिट चौड़ा OTS है। यहाँ इसका विंडो भी रहेगा और यहाँ एक विंडो रहेगा ड्राइंग रूम की तरफ। OTS में जाने के लिए आप ड्राइंग रूम से ही ओपनेबल विंडो लगा सकते हैं जिससे कि आप OTS में साफ सफाई के लिए जा सकें। अब बात करते हैं बेडरूम की। तो यहाँ हमने 2 बेडरूम प्लान किए हुए हैं जो कि दोनों बेडरूम हमारे सेम साइज के रहेंगे। तो ये हमारा 9 फिट बाई 12 फिट का बेडरूम है जिसमें ये हमारा बेड, ये TV यूनिट और ये हमारा वार्डरूम रहेगा। सेम साइज का बेडरूम यहाँ मिलेगा आपके लिए। और दोनों बेडरूम से पीछे जाने के लिए हमारा गेट दे रखा है और उसके साथ अटैच विंडो भी रहेगा। ये हमारा पूरा पैसेज रहेगा जो कि हमारा 4 फिट चौड़ा पैसेज है। इस पैसेज में इस साइड हमारा WC रहेगा 4 फिट बाई 4 फिट का और इस तरफ हमारा बाथरूम रहेगा 4 फिट बाई 4 फिट का। और ये जो बीच का स्पेस है इसमें ये जाल रहेगा वेंटिलेशन के लिए। तो इससे लेट और बाथ का प्रॉपरली वेंटिलेशन होता रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा 20 फिट बाई 50 फिट का विद शॉप विद कार पार्किंग 3 BHK बहुत ही शानदार नक्शा। उम्मीद करता हूँ आपके लिए नक्शा अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स, आप भी अपने घर का नक्शा बनवाना चाहते हैं तो आप हमें एक बार ज़रूर कॉल करिएगा। आपके लिए कम से कम फीस में अच्छे से अच्छा नक्शा बनाकर दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।